एंड एक सेकेंड में हम लोग उस वापस आते हैं, सुपर हीरो ऑफ द टूर्नामेंट का बात करते हैं, इट्स नन अदर देन सीजी हिमसेल्फ फ्रॉम वीएसजी क्रॉलर्स, ग्रैबिंग दैट टॉप फ्रैगर नेम। यहाँ पे 47 किल्स निकाला है, ओवर 10,000 डैमेज डेल्ट, दैट्स ह्यूज। 10,630 का डैमेज उन्होंने किया, इतने सारे डैमेजेस उन्होंने किए हैं प्लेयर्स पे, 12 हेडशॉट कनेक्ट किए, तो आप एक्यूरेसी पे इनके सवाल नहीं उठा सकते। डिस्टेंस ट्रैवल की बात की जाए तो 83,146 मीटर डिस्टेंस इन्होंने ट्रैवल किया है, जिस तरीके से इनका डैमेज है भी उसी तरीके से इन्होंने डिस्टेंस भी ट्रैवल किया है, तो सुपर हीरो ऑफ द टूर्नामेंट होना बनता है सीजी का। बट अगर ओवरऑल हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें और भी मेंबर्स देखने को मिले, बट ओवरऑल क्या लाजवाब गेम प्ले हमें सीजी के द्वारा देखने को मिला। टॉप 5 फ्रैगर्स की बात की जाएगी तो टेड सेकेंड पे आएंगे, 44 किल्स उनके पास भी आपको देखने को मिलेंगे, बट 9,629 का डैमेज उन्होंने भी दिया, 9 हेडशॉट कनेक्ट किए, बट एसिस की बात करोगे तो 20 एसिस उनके पास दिखेंगे। अलादीन थर्ड पोजीशन पे आएंगे 40 किल के साथ, डैमेज की बात करें 7,757 का डैमेज, हेडशॉट कनेक्ट किए 10, असिस्ट निकाले 16। Yes, बिल्कुल। एंड फोर्थ पे यहाँ पे ऑस्टिन बॉडिक्स रहने वाले, 37 किल, 6,483 डैमेज डेल्ट, 4 हेडशॉट्स, 23 असिस्ट हमें देखने को मिले हैं, एंड गुड टू सी द लास्ट प्लेयर मेकिंग इट टू द टॉप 5 फ्रैगर्स लिस्ट, ट्रांस इज नन अदर देन ट्रांस, जो कोई भी इस बार गलती नहीं करे इस टूर्नामेंट में। लास्ट में भी हमें क्लच देखने को मिला था, 33 किल्स प्लेयर ने अकेले किया था अपनी टीम के लिए, 7,870 डैमेज, 7 हेडशॉट्स, 26 assists by Trans as well. बहुत ज़्यादा अच्छा number, but this was the moment that you guys were waiting for. 16th position पर यहाँ पर powerhouse exit लगी 96 points के साथ, 100 point का जो mark था वो unsuccessful रहे उसको cross करने के लिए। TSM Entity on 15th, Soul यहाँ पे 14th पे, Fnatic on 13th। ये जो team थी अगर पहले थोड़ा step up करती, like in that last second last map of Sanok, उस type का अगर हमें gameplay पहले से देखने को मिलता तो Fnatic would have definitely made it to top 3, but other than यहाँ पर Rhino 12th position पे हमें देखने को मिलेगी 155 points के साथ, 8 pit on 11th 157 points के साथ वो exit लेगी, Marcus Gaming on 10th position with 163 and 4 King on 9th position with 167 points. 8 bit squad AB 15th position पे थे, 15th position से उन्होंने jump लिया है, कि 15th पे थे या 14th पे थे, कहीं पे थे उन्होंने jump लिया है, 11th position पे वो लोग आए हैं और एक chicken dinner finally उनके नाम हुआ, 59 kills उन्होंने भी निकाले, 157 points निकाले, तो good for 8 bit जिस तरीके से उन्होंने final game खेला है, उम्मीद करता हूँ ऐसे ही tournaments में आगे भी खेलते रहेंगे, but यही वो समय था जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे। टीम सिनर्जी 135 किल के साथ 4 चिकन डिनर निकाले और 359 पॉइंट्स टोटल कनेक्ट किए अपने लिए और टॉप पोजीशन उन्होंने हासिल किए और एमओएल सुपर हीरोज बैटल को अपने नाम उन्होंने किया है। एबी They are crowned victorious for Super Heroes Battle. First position उन्होंने secure किया है. Team Synergy with 359 points. Team IND on second with 337 points. ज़्यादा difference नहीं रहा था. 22 difference रहा था 22 points का जो कि create हुआ था last में. And VSG Crawlers third position पे यहाँ पे आते हुए 308 points के साथ. Inside out जैसे हमने बोला, I think 30 points में यहाँ पे लगभग जो difference था वो हो सकता था अगर एक chicken और अच्छे खासे kills देखने को मिलते थे. But nonetheless यहाँ पे U Mumbai Esports fifth position पे exit लेगी 223 points के साथ. Godlike on 6th with 209, Orange Rock on 7th with 207 and K18 on 198. यहाँ पे दो ही पॉइंट का डिफरेंस रहा था 200 का आंकड़ा क्रॉस करने के लिए, बट दो पॉइंट का वहां पे भी डिफरेंस रहा था Orange Rock और Godlike के बीच में। टॉप 4 टीम्स को आप ये भी देखो, 4-4 चिकन डिनर्स उन्होंने निकाल रखे हैं, बट गॉडलाइक एंड यू मुंबा के नाम एक भी चिकन डिनर हुआ नहीं। 93 किल्स निकाले यू मुंबा ने, 91 गॉडलाइक ने निकाले, बट चिकन डिनर एक भी उनके पास नहीं गया। तो ये रहे ओवरऑल स्टैंडिंग और टीम सिनर्जी, एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम जिस तरीके से उन्होंने खेला है, जिस तरीके से उन्होंने किल्स निकाले, देखो 135 किल्स और सेकेंड हाईएस्ट किल कितने 117 18 किल्स का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। विनर्स के नाम आपको यहां पे देखने वाले चैंपियन टीम सिनर्जी और उनको मिलने वाले 1,60,000 रुपए। टीम आईएनडी फर्स्ट रन अप पे आएगी 1,00,000 रुपए उनके नाम, वीएससी क्रॉलर्स सेकंड रन अप पर उनके मिलने वाले 80,000 रुपए। Yes, बिल्कुल यहाँ पे रही टॉप 3 टीम्स ऑफ दिस टूर्नामेंट, सिनर्जी
डूइंग फैबुलस इन दिस होल टूर्नामेंट. कंसिस्टेंसी क्या होती है इन्होंने यहाँ पे प्रूव करा, कैसे बाउंस बैक करते हैं. अ परफेक्ट एग्जाम्पल शोन अप बाय सिनर्जी टीम. टीम आईएनडी ने भी बहुत ज्यादा अच्छा रिटेन किया अपनी वो पोजिशन. 1,00,000 वो अपनी टीम को जिताए हैं. एंड बीएसजी क्रॉलर्स 80,000 rupees, स्टिल नॉट बैड. थर्ड यहाँ पे पोजिशन अपनी टीम के लिए सिक्योर किया. बहुत ज्यादा मेहनत की है सारी टीम्स ने, बट हमें थोड़ा और यू नो एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता था जो बॉटम द टेबल टीम थी. बट होपफुली वो बाकी सारे टूर्नामेंट्स में आए एंड एक टफ कॉम्पिटिशन दे ये तीनों टीम्स को, बिकॉज वी डेफिनेटली वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दीज थ्री टीम्स इन द अपकमिंग टूर्नामेंट्स. बिकॉज टीम सिनर्जी शोड अ